नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है। हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको पूर्ण, नवीनतम और विश्वसनीय खबर। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया है। वो इस सिलसिले में दोबारा उपराष्ट्रपति से मिली थी। वहां पर उन्होंने एक लाइन का इस्तीफा उनको दिया। उसके बाद इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। दरअसल इससे पहले 3 पेज का अपना इस्तीफा उन्होंने सभापति से मिलकर दिया था, लेकिन उस पर फैसला नहीं हो पाया था। उसकी वजह ये बताई गई थी कि उनके द्वारा दिया गया इस्तीफा तयशुदा प्रारूप में नहीं था, इसलिए मायावती को दूसरी बार एक लाइन में अपना इस्तीफा तयशुदा रूप में देना पड़ा, जिसको स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले मंगलवार को राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं दिए जाने से नाराज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस्तीफा दे दिया था। इस मुद्दे पर सदन में काफी हंगामा मचा था। उसके बाद बुधवार को राज्यसभा के सभापति पीजे कुरियन ने मायावती से अपना इस्तीफा वापस लेने की अपील की। सभापति ने कहा कि सदन की इच्छा है कि मायावती अपना इस्तीफा वापस लें। बता दें कि सहारनपुर हिंसा पर सदन में न बोल पाने के कारण मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 3 पेज का अपना इस्तीफा उन्होंने सभापति से मिलकर दिया। मायावती इस बात से नाराज थी कि शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दलितों पर हुए अत्याचार पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय दिया गया।